सिक्स्थ जेपीएससी मेंस एग्जाम होने वाला है, इसे लेकर कई व्यूअर ने कहा था कि मुख्य परीक्षा को लेकर खास वीडियो दीजिए जो करेंट इवेंट से संबंधित हो। आज से शुरू कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। क्या एक देश में एक ही चुनाव होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन क्या होना चाहिए, इसके पक्ष में कौन कौन से तर्क हो सकते हैं और इसके विपक्ष में कौन कौन से तर्क हो सकते हैं, दोनों चीजों पर बात करेंगे। और मेंस के एग्जाम में आपको भी इसका तर्क लिख करके हमारे इसी चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, ये शुरुआत 1952 में, अगर आप देखें चुनाव को, 1952, और उसके बाद 1957 में, और फिर 1962 में। उस समय तक भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला नहीं था, लेकिन चुनाव एक ही साथ होता था। साथ ही साथ यहाँ पर एक बार फिर इस बार ये उम्मीद जताई गई थी कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन संभव है। हम आपको बताएंगे कि ये अगर होता है तो कौन कौन सी इसमें सुविधा होगी, और अगर नहीं होता है तो कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है, इसके विपक्ष में कौन कौन से तर्क हो सकते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला तैयार किया जाए तो जैसे जो इसके पहले 2014 में चुनाव हुआ था उसमें 3,870 करोड़ रुपया लोकसभा के चुनाव में खर्च हुआ था। अगर राज्य का चुनाव अलग अलग देखा जाए तो ये लगभग 10,000 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है पूरे भारत में सिर्फ चुनाव करवाने में। अगर एक साथ दोनों चुनाव करवा दिया जाता है तो ये खर्च सिर्फ 4,500 करोड़ रुपया ही होगा। तो पहला फायदा देश को हो जाएगा कि जो इलेक्शन में जो खर्च बहुत बड़ी धनराशि होती है वो बचेगा। दूसरा तर्क आप ये लिख सकते हैं कि जब कहीं भी चुनाव होता है, किसी विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, तो एक वहाँ पर डिक्लेरेशन होती है चुनाव आचार संहिता का, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का। बार बार चुनाव आचार संहिता लगने के कारण विकास के काम रुक जाते हैं, यानी कि हर बार चुनाव होगा और अगर पूरे 5 साल तक कहीं ना कहीं चुनाव होता ही रहेगा तो इस स्थिति में ये दिक्कत आ जाती है कि बहुत ज़्यादा बार चुनाव कोड ऑफ जो कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन का, ये लगने के कारण जो चुनाव की प्रक्रिया है वो बाधित होने की संभावना हो जाती है, विकास भी रुकने की संभावना होती है। तीसरी मुश्किल ये आ सकती है कि राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो पक्ष में होगा कि राष्ट्रीय मुद्दे जो ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं जा पाते हैं वो जा पाएंगे। मतलब अब जो भी पार्टी जब चुनाव लड़ेगी तो नेशनल मुद्दा को स्ट्रांग बना करके लड़ेगी और रूरल एरिया में भी इसके पक्ष में मतदान होगा। जो अगली जो इसमें तर्क आप दे सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो इसमें लोग जागरूक होंगे और 5 वर्ष तक उनको उतना टेंशन नहीं होगा कि भारत में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव प्रचार चल रहा है और अब इलेक्शन में लोग अलग अलग जगह पर सोशल मीडिया से लेकर के लोकल जो प्रचार होता है ये शुरुआत जब हो जाएगा तो ये सारी चीज़ों से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी और जो भी होना होगा एक ही बार में हो पाए। साथ में ये हो सकता है, एक लाभ ये हो सकता है कि चुनाव आयोग के ऊपर निष्पक्ष चुनाव करवाने की जो जिम्मेवारी होती है और समय समय पर कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हुए स्टेटमेंट दे देता है, इससे चुनाव प्रक्रिया बाधित होने की चांस हो जाती है। लेकिन हम आपको थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड बता दें कि ये सारी कुछ कैसे हो सकता है, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन आखिर संभव अगर होगा तो कैसे होगा। इसके लिए लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों सदन में 2/3 बहुमत से बिल पास करना जरूरी होता है। वर्तमान में लोकसभा के जो 545 सदस्य हैं और राज्यसभा के 245 सदस्य हैं, दोनों सदन में अगर देखेंगे तो वर्तमान सरकार के पास 2/3 जो मेजोरिटी है वह नहीं है। लोकसभा में कम से कम 350 के आसपास का फिगर होना चाहिए, 362 होना चाहिए, लेकिन पिछली बार जब विश्वास मत लाया गया था तो उसमें 325 का फिगर ही आया था, 325 का आया था। इसलिए बोलना मुश्किल होगा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को लाया जाए तो ये लोकसभा से पारित हो ही जाएगा, ये बोलना मुश्किल है।
राज्यसभा में भी अगर आप देखें तो वर्तमान संख्या 245 है, जिसमें अगर 2/3 आप करते हैं तो तकरीबन 160 के आसपास का फिगर हो जाएगा, जो वर्तमान सरकार के लिए मुश्किल है। एनडीए के पास उतने वहां पर मेजोरिटी नहीं है। सपोज कीजिए कि इसमें दोनों को मिला दिया जाए, मतलब अगर दोनों सदन से बिल पास नहीं होता तो एक उपाय और है कि ज्वाइंट सीटिंग कराया जाए। अगर ज्वाइंट सीटिंग इसी मुद्दे पर हो जाती है तो ज्वाइंट सीटिंग में 545 और प्लस 245 दोनों को जोड़ करके होता है 790, और 790 जो होगा तो सिर्फ 790, मतलब आप एक रफली फिगर अगर आप 800 का पकड़ लें तो उसमें अगर 2/3 मेजोरिटी बोला जा रहा है तो ये भी बहुत मुश्किल होगा सरकार के लिए कि वो 450 का फिगर पार कर जाए, 500 के आसपास ही होगा। तो ये दोनों तीनों स्थिति में मुश्किल है वर्तमान सरकार के लिए कि वो एक साथ करेगी। अब सरकार क्यों चाहती है कि एक साथ चुनाव हो, क्योंकि तो गवर्नमेंट को पता होता है कि अब थोड़ी समय पहले तर्क आपको विपक्ष में दे देते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इसके क्या निगेटिव इम्पैक्ट होंगे देश में। पहला निगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि राष्ट्रीय मुद्दा इतना स्ट्रांग हो जाएगा पूरे चुनाव में कि भारत में जो अलग अलग कस्टम कल्चर लैंग्वेज और क्षेत्रीय मुद्दा अलग अलग क्षेत्र में है ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये गौन हो जाएगा और लोग क्षेत्र की बात को नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि अब कश्मीर इशू पे राज्य में चुनाव हो जाएगा, बेरोजगारी और गरीबी पर राज्य में चुनाव हो जाएगा, ये भारत और चीन के संबंध में हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में हो जाएगा, तो जो क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं वो सारी क्षेत्रीय समस्याएं जो है वह गौन हो जाएगी और ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी भारत में जो सरकार में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए। दूसरा कि भारत में उतनी फोर्सेज नहीं है, चुनाव आयोग ने भी खुद कहा है कि वो मैन पावर नहीं है, वो फोर्सेज नहीं है कि अगर जो 29 राज्य वर्तमान में है, ये 29 राज्य प्लस दिल्ली पांडिचेरी और लोकसभा का चुनाव, तो सारे को एक साथ लेकर के वोट डालना ये भी एक मुश्किल चुनौती है। तीसरा, भारत में शिक्षा की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, तो भारत के मतदाता ये नहीं समझ पाएंगे कि हम जब वोटिंग करने जा रहे हैं तो आमतौर पर ऐसा होता है कि जब सेंटर में जिसकी सरकार होती है और जब 5 वर्ष के पहले, जब अगला 5 वर्ष आने वाला है और अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होता है तो उस चुनाव में जब ये देखा जाता है कि जितने भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके मुद्दे लोकल स्तर पर अलग अलग राज्य में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में वो स्ट्रांगली आते हैं, और सरकार जब एंटी इनकम्बेंसी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तो स्टेट में सरकार को एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ये भी चीज़ है। तीसरी एक खास निगेटिव तर्क आप ये दे सकते हैं कि अगर कोलिजन गवर्नमेंट होगा तो क्या होगा, मतलब ये तो जरूरी नहीं है कि हर चुनाव में कोई ना कोई पार्टी जीतेगी। सपोज कीजिए कि किसी भी क्षेत्र में अगर कोलिजन गवर्नमेंट हो जाए, मिली जुली संबित सरकार की नौबत आ जाए तो क्या फिर से चुनाव होगा, या फिर से चुनाव अगर नहीं होता है तो फिर जनादेश का दिक्कत होगा, लड़खड़ाने वाली सरकार होगी। ये तो जरूरी नहीं है ना, क्योंकि भारत में 2-पार्टी सिस्टम नहीं है अमेरिका और ब्रिटेन के जैसा, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो इसमें ये दिक्कत पैदा हो सकता है कि निगेटिव ही आप समझेंगे कि जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ये दिक्कत आ जाएगी। चौथा होगा कि एक बार अगर सरकार पूरे देश में एक पार्टी की बन जाती है, सोचिए राज्य में भी बन जाता है और केंद्र में बन जाता है, तो दोनों स्थिति में वह पार्टी अपनी मोनोपोली शुरू कर देगी, इसको तानाशाही रवैया बोलेंगे, तो ये भी एक हमारी डेमोक्रेसी के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भारत में ये ऑप्शन होना चाहिए कि केंद्र में जो सरकार है अगर वो ठीक से काम नहीं कर रही है तो राज्य में उसको दिक्कत होगा। और अगला निगेटिव पॉइंट आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीयता पर चुनाव शुरू हो जाएगा और जब क्षेत्रीय पार्टी नहीं होगा तो भारत में विकास के कार्य भी रुकेंगे ही। इसलिए रुक जाएंगे कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां होंगी, 2 पार्टी धीरे आगे चल करके आ जाएगा और दोनों पार्टी में अगर मिली भगत हो जाए तो 5-5 वर्ष के लिए दोनों काम करेंगे। आप उत्तर प्रदेश में, बिहार में,
तमिलनाडु में, कर्नाटक में इस चीज को देख सकते हैं कि जनता 5 वर्ष के लिए पार्टी को चुनती है, ऑप्शंस नहीं है वहां पर तो दूसरी पार्टी को भी चुन लेती है, फिर ऑप्शंस नहीं है। लेकिन जब मल्टी पार्टी सिस्टम होता है तो पब्लिक के पास एक ऑप्शन होता है कि वह तीसरा, चौथा, पांचवा निर्दलीय को भी चांस दे सकता है कि वो हमारे ऊपर में शासन करे। अब आपको बताते हैं कि दो पार्टी की जो सरकार है और कहाँ कहाँ पर यह संभव होता है। जैसे अमेरिका के चुनाव को देखें, ब्रिटेन के चुनाव को देखें, स्वीडन और नॉर्वे को देखें, तो इन देशों में वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए संभव हो जाता है कि ये देश में उतनी जनसंख्या नहीं है जितना ज्यादा भारत। दूसरा कि जितनी धर्म और जाति का समीकरण भारत में है, जितने लोकल इश्यूज है, चूंकि इम्बैलेंस ऑफ डेवलपमेंट है इंडिया, मतलब आप क्षेत्रवाज अगर विस्तार देखेंगे और विकास देखेंगे तो वो अलग अलग हो जाता है। तो इससे भी एक दिक्कत आती है कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन करना मुश्किल होगा। हम कोशिश आपको कर रहे हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग का जो मेन्स एग्जाम होने वाला है और बिहार लोक सेवा आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो भी हिंदी राज्यों में परीक्षा हो रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी में, और इसके साथ यूपीएससी के जो एग्जाम्स हो रहे हैं जिसमें डिटेल्स में आपको आंसर लिखना रहता है, तो उसके मद्देनजर ही इस वीडियो को बनाया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप जरूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और साथ ही साथ हमसे आप जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी हर वीडियो आप तक सटीक रूप से पहुंच जाएगी, और जब सटीक रूप से पहुंच जाएगी तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसका लाभ मिलेगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया।